नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और आप ललन टॉप की ये खास पेशकश कोरोना बुलेटिन देख रहे हैं, जिसमें हम अपने रिपोर्टर्स और देश के दूसरे हिस्सों से जो कोविड रिलेटेड खबरें आ रही हैं उनमें से कुछ आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आया ये वीडियो देखिए। स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें ग्वालियर के एक ऑक्सीजन प्लांट की हैं। यहां ऑक्सीजन को लेकर एक बावर्दी पुलिसकर्मी और एक डॉक्टर के बीच हाथापाई हो गई। दरअसल ग्वालियर के इस ऑक्सीजन प्लांट पर प्राइवेट अस्पताल के एक डॉक्टर ऑक्सीजन सिलेंडर लेने आए, लेकिन प्लांट के कर्मचारी ने डॉक्टर को ये कहकर वापस जाने के लिए बोला कि पहले सरकारी अस्पताल को ही ऑक्सीजन मिलेगी। इसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। हंगामा बढ़ता देख प्लांट पर तैनात सब इंस्पेक्टर रामकिशोर जोशी ने डॉक्टर को थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद हाथापाई हुई। कोरोना से जनता परेशान है और उसी के लिए व्यवस्था में लगे दो धड़े डॉक्टर और पुलिस इस तरह भिड़े, ये शोभा नहीं देता। ज्यादा दिक्कत यहां सरकारों की तरफ से है कि अब तक ये साफ ही नहीं हो सका कि ऑक्सीजन किसको मिलनी है, किसको नहीं और प्राथमिकता में कौन है। और मध्य प्रदेश ही नहीं, देश के दूसरे प्रदेशों का भी, खासतौर पर उत्तर भारत के और पश्चिम भारत के यही हाल है। अब ग्राउंड रिपोर्ट पर बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले एक और खबर यूपी के प्रयागराज शहर की है। इस शहर की सबसे मशहूर शख्सियतों में से एक डॉक्टर जेके मिश्र का अस्पताल में वेंटिलेटर न मिलने के चलते निधन हो गया। डॉक्टर जेके मिश्र प्रयागराज के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में भर्ती थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल में डॉक्टर जेके मिश्र ने करीब 50 बरस तक मरीजों का इलाज किया, लेकिन खुद उन्हें वेंटिलेटर नहीं मिल पाया। प्रयागराज के इसी स्वरूप रानी अस्पताल में हमारी टीम पहुंची ग्राउंड कवरेज के लिए। हमारी संवाददाता स्वाति ने अस्पताल के कोविड वार्ड के इंचार्ज से बात की तो पता चला कि प्रशासन कोरोना के मरीजों के जो आंकड़े पेश कर रहा है उसमें और हकीकत में बहुत अंतर है। कितनी भीड़ आ रही है, कितने लोग आ रहे हैं? बहुत लोग आ रहे हैं मैम, हम लोग तो एकदम मेंटली फिजिकली एकदम थक जा रहे हैं देख करके। हम तो खुद ही तबीयत खराब है, हमें भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। मैं एक इंचार्ज यहाँ की हूँ, हमारे दो डॉक्टर यहाँ पर लेडीज डॉक्टर हैं, दिन भर मैम ऐसी देखिए वहाँ लेते हैं यहाँ लेते हैं, पूरा बेड खाली है। ट्राइबे पे मरीज चल रहे हैं, हमारे यहाँ 40 बेड है, 45 बेड है, ट्राइबे पर है। हम लोग भी बहुत, हम लोग को भी दया है, क्या कोई करेगा। किट नहीं मिली है मैम, हमको तो होगा ही नहीं, हमको तो ईच मोमेंट अंदर बाहर होना है मैम, किट में तो और हम लोग मर जाएंगे। किट मिली है ईच मोमेंट, यहाँ पर हम लोग नहीं पहन पा रहे, कोई नहीं, हर मोमेंट अंदर बाहर होना है। मतलब आने जाने में बाकी चीज़ों ऐसे ही हम लोग जाते हैं मैम, ऐसे अपना प्रिकॉशन। ये ऐसे बाहर ही देखा जा सकता है क्या इस पेशेंट को? ये डॉक्टर हैं, ये डॉक्टर हैं, डॉक्टर आ गई हैं, हाँ दो डॉक्टर अंदर हैं, ये लेडीज डॉक्टर हम लोग स्टाफ हैं, ये देखते हैं। मैम मरीज एकदम भरे, अंदर देख लीजिए आप ना, आप अंदर जा सकते हैं। ऑक्सीजन हाँ, ये भी बेड के इंतजार में है, बेड ही नहीं है, बेड ही नहीं है, बेड ही नहीं है। सब मरीज भरे हैं, देखिए किस मरीज को कहाँ कोई फेंक देगा, देखिए सारे मरीज भरे हैं। प्राइवेट एक ऑक्सीजन से दो प्राइवेट मरीजों को मैनेज किया जा रहा है, देख लिया। प्राइवेट क्या होता है? कनेक्ट करके एक ऑक्सीजन से दो मरीजों को दिया जाता है। एक ऑक्सीजन से दो मरीज, ऑक्सीजन की सप्लाई का क्या हाल है? नहीं सप्लाई तो है मैम, है मगर जैसे कि अब एक है तो उसको ट्राइबे कर दिया जाए कि दो मरीज का जान बचाया जा सके ना, एक को डाइवर्ट करके दो का वो। रोजाना आपकी आपकी आप यहाँ पे इंचार्ज हैं, रोजाना कितने लोग आ रहे हैं कुछ अंदाज़ा है? मैम मेरे सामने तो सबसे कम नहीं आ रहे हैं, सुबह से बॉडी होके भी आती है, बॉडी होके भी जाती है, यहाँ से तो अब कम निकल रहा है मगर बाहर से ज़्यादा बॉडी होके आती है। कितनी बॉडी निकल रही हैं मैम? मेरे दो तो शायद एक दो सुबह से निकला है, अब बाहर से होके आता है। अच्छा, बाहर से तरफ के लोग आते हैं जो इधर उधर से रेफर कर देते हैं। तो मैम जब खाली रहेगा तभी तो देखिए वेटिंग में जैसे बेड खाली होता है, जो पॉजिटिव आता है अंदर शिफ्ट करते हैं दूसरे वार्ड में, और जो बेड खाली होता है तुरंत मरीजों को ले लिया जाता है। अधिकांश इनमें से जो भी आ रहे हैं इन दिनों वो सब ज़्यादातर कोविड है, सस्पेक्टेड कोविड है, ज़्यादा ज़्यादा ज़्यादा, हाँ लास्ट स्टेज। गवर्नमेंट बोली, प्रशासन बोला
कि शनिवार को 2100 से कम थे, अब संख्या घट रही है और रविवार घट नहीं रहे मैम। अब तो बहुत पुअर लोग आ रहे हैं, पहले तो मिडिल क्लास फर्स्ट क्लास थे, अब तो पुअर बेचारे आ रहे हैं। घट नहीं रही है, बढ़ रही है। अभी भी यहाँ पर है क्या बेड अवेलेबल है क्या मैम? अभी तो नहीं देखे, मरीज वेटिंग में है डॉक्टर से पूछ। यहाँ पे पूरा कुछ SRN हॉस्पिटल में टोटल कोविड पेशेंट के लिए कितने बेड हैं कुछ बता पाएंगे? पूछ रही हैं, सबकी अपनी ड्यूटीज हैं। प्रयागराज के SRN अस्पताल का जायजा लेने के बाद हमारी टीम यहां के वैक्सीनेशन सेंटर का हाल देखने पहुंची। यहां पर लोगों की कम तादाद देखकर जब टीम ने लोगों से बात की तो पता चला कि वैक्सीन लेने के बाद बीमार पड़ने की अफवाह फैली हुई है। सुनिए लोगों के संशय। मैं वैक्सीनेटर नंबर 1 हूं, क्षमा पांडे। अच्छा, आप हमें बता पाएंगी एवरेज क्या है, औसत संख्या जो लोगों को जितने एक दिन में वैक्सीन लग रही है? देखिए, हम बराबर लगातार लगा रहे हैं, हमें वैक्सीन लगाने में देखिए कोई दिक्कत नहीं हो रही और लोगों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोविड सेंटर बना हुआ है और डेली आप देख ही रहे हैं कितनी अफवाहें किस तरीके से फैल रहे हैं। अफवाह किस तरह? अफवाहें मैम यही है कि फर्स्ट डोज लगने के बाद लोगों की मौत हो रही है। अभी मेरे पास ये आज एक कॉल आया था, कह रहे थे 6 दिन पहले उनको फर्स्ट डोज लगी है तो उनके नाक से ब्लड आया। तो ये वैक्सीन का इशू नहीं है ये, क्योंकि अगर वैक्सीन लगती है तो आपको 24 घंटे में या 1 घंटे के अंदर अंदर आपको उसका साइड इफेक्ट दिख जाता है। बाकी जो साइड इफेक्ट है वो अदर डिसीज के हैं। तो ये गलत अफवाह, घबरा गए हैं कि वैक्सीन की डोज लगने के चलते ही उनको ऐसा लग रहा है कि काफी लोग यही कह रहे हैं कि दो दो इंजेक्शन लगने के बाद भी पॉजिटिव आ रहे हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि ये इंजेक्शन इतना फायदेमंद है कि आपको पॉजिटिव तो होंगे आप, लेकिन तो आपकी इम्यूनिटी बरकरार रहेगी, आपको ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप होम क्वारंटाइन रह के 1 हफ्ता दवा खा के आप निगेटिव हो जाएंगे। ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इस इंजेक्शन का बहुत फायदा है ना। लेकिन लोगों को जब आपके पास फोन आता है, क्या ऐसा भी है कि किसी ने ये सारी बातें सुनकर वैक्सीन लगवाने से मना किया, फिर ऐसे लोगों को आप कैसे समझाते हैं? कैसे काउंसलिंग करके उन्हें, काफी लोग ये समझ लीजिए मैम 100 में से 90% तो काउंसलिंग से ठीक हो जाते हैं। और SRN में तो इसलिए नहीं हो रहा मैम क्योंकि कोविड यहाँ सेंटर बना हुआ है, तो लोग थोड़ा डरते हैं, जैसे कहीं कोविड निकल गया तो उस गली में मत जाइए, वहाँ मत जाइए, तो इसलिए थोड़ा सा माहौल यहाँ पे है। लेकिन फिर भी हम अपना कवरेज कंप्लीट कर लेते हैं, फ़ोन से लोगों को बुला के कर लेते हैं। जैसे कोई पेशेंट आया, मतलब कोई लाभार्थी आया, तो हम उसकी फैमिली में कहते हैं कि आप लगवाइए भैया, इतना सेफ है, ये है वो है, मतलब हर तरह से। ये बताइए कि क्या कोई टारगेट सेट किया गया है कि दिन में इतने लगाने हैं? देखिए मैम, जब हमारी ड्यूटी चल रहा, मतलब ट्रेनिंग हो रही थी ड्राई रन का, तो उसमें कहा गया था 100-125, तो हमारे पास दवाइयाँ अवेलेबल होती है। स्टार्टिंग में हम लोग 350-400 के लेवल पे लगा रहे थे जब स्टार्टिंग, मतलब ये कितने पहले की बात है? ये March 1st तक की बात है ये, उसके बाद से जब आम जनता आई है तो कम हो गया नाम। जब तक आप जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनको लगा रहे थे, तो आप बता रहे हैं 350-400 एक दिन की संख्या थी वैक्सीनेशन की। आम लोगों के टाइम में क्या वैक्सीन की सप्लाई की क्या हाल चाल है? वैक्सीन की सप्लाई हमारे पास भरपूर है, हम अगर कम होता है तो हम मंगवा भी लेते हैं, हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। वैक्सीन की हमें कोई चिंता नहीं है जहाँ तक मैं जानती हूँ। पब्लिक को कोई मतलब वो ठोस कदम नहीं उठा पा रही है सरकार की, पब्लिक जाके लगाए और फैमिली के मेंबर कोई आते हैं तो उनको हम कन्विंस करते हैं कि आप ले आइए, बुलाइए। अभी भी जितने लोग आ रहे हैं, 1 तारीख से जो गाइडलाइन चेंज होने वाली है, हम पहले से न्यूज दे रहे हैं कि आप इन इन लोगों को ला सकते हैं, ये ID ला सकते हैं। तो इस तरीके से मैम काउंसलिंग हम लोग अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो अभी अभी मुझे अगर ये कोई डेटा देखना हो, जैसे अभी आज की तारीख में दोपहर हो गई है और 21 लोगों को फर्स्ट डोज लगी है और कितने 7 लोगों को सेकेंड डोज लगी है ना? तो अगर मैं सैटरडे, जैसे संडे को क्यों बंद रहता है वैक्सीनेशन? तो आपातकाल जैसी चीज़ है ना, एक तो संडे को लॉकडाउन आपका चल रहा है, साधन नहीं चलती है। दूसरी बात मैम, संडे को लोग छुट्टियां मनाते हैं। थर्ड मैम ये है कि संडे को लोग बाहर निकलना भी बहुत कम कर दिए हैं और सोचते हैं कि अधिकतर सरकारी चीज़ें बंद रहती है संडे को, आधे से ज़्यादा लोगों के दिमाग में यही है, तो इस वजह से संडे का मैम कोई मतलब ही नहीं है कि चलाना। जहाँ तक उम्मीद रहती है मैम, हम वापस नहीं करते हैं किसी को भी, किसी भी तरीके से लग जाए लगा देते हैं। तो अभी देखिए, अगर हम देखें वैक्सीनेशन का डेटा, तो 26 तारीख की आज का दिन का है जो हमें पता चला था, 21 लोगों को लगा, यहाँ 20 लोगों के नाम दर्ज है। मैम पोर्टल पे भी हम चढ़ाते हैं, हेल्थ वर्कर भी हैं, ओल्ड एज भी हैं। जी जी, ये सेकंड डोज वाले हैं ना? जी जी, तो मैं पहले फर्स्ट डोज की बात करती हूँ। यहाँ जो 20 लोगों के नाम दर्ज है, इसमें से
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह जी 15-20 में से 15 नाम है जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स और ये सब। हाँ, बैंकर टीचर से सब। हाँ, बैंकर टीचर्स जो जो आते हैं उस कैटेगरी में, और बाकी जो आम पब्लिक जो ओल्ड एज है वो है 45 अबव की संख्या है 5। अच्छा, और ये सेकेंड डोज आपके हेल्थ वर्कर एक है और सारे ओल्ड एज हैं। ये जब हमने 16 जनवरी से भारत में वैक्सीनेशन शुरू किया था फ्रंटलाइन वर्कर्स का। नहीं मैम, 16 जनवरी से हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट चला था। अच्छा, हेल्थ डिपार्टमेंट चला था, फरवरी में हमारा फ्रंटलाइन वर्कर का। अच्छा, फरवरी में चला और उसके बाद तो हमने कोई डिसाइड किया था कि हम कब तक ये पूरा कर लेंगे, कोई डेट कोई था क्या? हम पीछे चल रहे हैं, स्लो चल रहे हैं? नहीं तो मैम, जो हम लोग फ्रंटलाइन वर्कर था और हेल्थ डिपार्टमेंट का जो था हमारा, तो मैम वो लोग तो हमारे पास आते थे, लेकिन हम उस समय उनको इसलिए नहीं लगा पाते थे क्योंकि हमारे पास सीएमओ से लिस्ट आती थी और सिर्फ उसी लिस्ट के ही व्यक्ति को हम लगा सकते थे क्योंकि उसी का रजिस्ट्रेशन हुआ था। हमारे ओपन है, अब ये ओपन है कि कोई भी उस कैटेगरी में उस क्राइटेरिया में जो फिट होता है वो आए। नगर निगम के मैम हैं जी, उस टाइम केवल मेरे ख्याल से मैम 50% लोगों के लिस्ट आए थे, 50% लोगों के लिस्ट नहीं आए थे, तो मैम उनको तो लगना चाहिए ना। तो वो कैसे लगेगा? वो तो इसी तरीके से लगेगा, उनका आईडी पोर्टल ले रहा है और हम कर रहे हैं। यहाँ पर हम सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि वैक्सीन की डोज लगने के बाद हल्की फुल्की हरारत या दूसरे कुछ लक्षण आ सकते हैं, लेकिन ये ठीक हो जाते हैं, इसलिए वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, क्योंकि अगर आप नहीं करवाएंगे तो कोविड के संक्रमण की चपेट में आने और फिर उससे लड़ने की आपकी क्षमता बहुत कमज़ोर रहेगी, इसलिए किसी भी अफवाह पर ध्यान मत दीजिए। अब चलते हैं महाराष्ट्र, जहाँ हमारी एक टीम मुंबई के धारावी इलाके में पहुँची। धारावी वो इलाका है जिसे एशिया का सबसे बड़ा स्लम क्षेत्र यानी झुग्गी वाला इलाका कहा जाता है। बहुत कम स्पेस में कमरों में कई कई लोग एक साथ रहते हैं। लॉकडाउन के चलते लोगों का काम ठप पड़ा है। हमारे संवाददाता निखिल और रूहानी ने इस धारावी का जायजा लिया और यहाँ रह रहे लोगों के हाल देखे, और ये हाल देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए। लॉकडाउन में आपसे अपेक्षित होता है कि आप अपने प्रतिष्ठान बंद करके आप अपने घर में रहें, लेकिन यहाँ घर और दफ्तर उसका फर्क नहीं है और अंदर जगह ही नहीं है, तो लोग जो लोग सड़क पे नहीं निकल सकते हैं वो लोग कैसे अपना टाइम काट रहे हैं धारावी में, उनके जीवन की क्या समस्याएं हैं? ये भी एक जगह है जहाँ मेरे ख्याल डाइंग होती है दोस्त, यहाँ पे डाइंग होता है, यहाँ पे डाइंग की दुकान है। क्या नाम है भाई आपका? नाजिम नाम है। अच्छा, आप कहाँ से हैं? धारावी के ही हैं, बाहर से हैं? मैं बाहर से हूँ, यूपी का। यूपी से हैं, तो अभी कब से दुकान मतलब चल रही है, बंद है? क्या चल रहा है? एक महीना हो गया लगभग बंद है, एक महीने से बैठे हैं, काम आम भी नहीं हो रहा है, क्या करें, लॉकडाउन की वजह से काम धंधा सब बंद है। देखो अब हम लोग भी गांव जाने वाले हैं, क्या करेंगे, यहाँ पे बैठे बैठे परेशान हो गए। अच्छा, ये मतलब ये दुकान और घर दोनों है मेरे ख्याल आपका? हाँ, इसी में रहते हैं, इसी में खाते हैं, इसी में सोते हैं, काम भी इसी में करते हैं। पीछे आप देखेंगे वो डाइंग के बर्तन और गैस है, एक मतलब जो डाइंग के लिए जितना सामान आपको चाहिए है ना, पानी के टैंक वगैरह, और बस उसके बीच में एक दीवार है, उसके तरफ ये एक लिविंग स्पेस भी है, यहीं पे कपड़े सूखते भी हैं, यहीं से ये लोग अपना काम करते हैं। तो जितनी जगह है उसी में जीना है, ये धारावी का बेसिक लॉजिक है। तो यहाँ कितने लोग काम करते हैं आपके साथ? यहाँ पे 3 लोग हैं। तो 3 लोग यार रात में सोएंगे? हाँ, इसी में सोते हैं 3 लोग। तो अभी बाकी 2 कहाँ हैं? 2 लोग कहीं गए हैं घूमने। हाँ, बोले बैठे बैठे परेशान हो जाते, तो बोला घूम टहल लो, ठीक है घूम लो। आप जैसे जब आपका काम चलता था तो आप जैसे कितना बना लेते थे उसमें? काम चलता था तो 2-3 हज़ार रुपया हो जाता था एक दिन का। हाँ, तो उसमें आप अपना भी और फिर भेजते होंगे घर? हाँ, घर पे भी भेजता हूँ, हो जाता है। जब आप नहीं चल रहा है तो फिर घर पे कैसे चल रहा है वहाँ, जब आप पैसे नहीं भेज पा? तो बहुत तकलीफ है, घर वाले भी फोन करते हैं, पैसा भेज दो, कहाँ से भेज दें, अपने खाने के लिए नहीं है तो घर पे कैसे भेज देंगे। अब फोन कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं नहीं है वहाँ पे तो बंद करके भाग के आ जाओ। बोला ठीक है, अभी हम लोग चले जाएंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे एक महीने से बैठे हैं, कहाँ तक खाएंगे। ये किराया भी देना पड़ता होगा? हाँ, भाड़ा भी पड़ता है। कितना भाड़ा है? 7,000। 7,000 यहाँ का भाड़ा है, और यहाँ मतलब 0 वेंटिलेशन वाली है, और फिर बिजली बिल वगैरह ये सब तो होता ही होगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाहरुख है। क्या करते हैं? सिलाई का काम करता हूँ। अच्छा, यही है दुकान? नहीं, दुकान उधर है। अच्छा, ये अभी लगा लीजिए, मास्क लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपकी आवाज़ आ रही है, पता चल रहा है। तो
कब से बंद है? हो गया एक डेढ़ महीना हो गया बंद हो के। डेढ़ महीने से मतलब अभी लॉकडाउन की तो जैसे पिछले हफ्ते लगाया यहाँ पे, पर आपकी दुकान एक महीने से बंद चल रही है? हाँ एक महीने से, मतलब काम नहीं हो रहा था। अच्छा काम नहीं और वहाँ कितने लोग हैं आपके साथ? मेरे साथ में 15-20 जन थे, सब गांव चले गए। अच्छा मैं अकेला बचा। तो आप भी बाहर से हैं या दारा भी से? बाहर से, गांव से। कहाँ से? अच्छा एक बात बताओ, जैसे जो लोग नहीं आए हैं मतलब जिन्होंने धारावी देखा नहीं कि कैसी ज़िंदगी यहाँ पे, जब यूपी से लोग आते हैं तो यहाँ पे मतलब कैसे रहते हैं, कितना बड़ा घर मिलता है, कितने लोग साथ रहते हैं, वो थोड़ा बताओगे? यहाँ इसी रूम रहता है, और कब आते हैं यहाँ, एक ही रूम में खाना खाते, इसी रूम में काम करते, एक ही रूम में रहते, गाँव से आते कमाने के लिए। और एक रूम में कितने, एक खोले में कितने लोग? एक रूम में ऐसा तो कोरोना अभी चल रहा है, एक रूम में पहला रहते थे कोरोना से पहले 10 जन 15 जन एक साथ में सोते थे। इतने बड़े में 15? हाँ थोड़ा हट हट के दूरी बना के, अभी क्या है कोरोना चल रहा है ना इसके लिए अभी दूरी बना के 2 जन 3 जन अभी रूम में सोते, ज़्यादा जन नहीं रहते। पहले कोरोना से पहले सब रहते थे। भाड़ा? 12-10 हज़ार 15 हज़ार ऐसा भरना पड़ता था। अभी तो थोड़ा लॉकडाउन की वजह से अगर भाड़ा नहीं देगा तो रूम वाले बोलेगा खाली कर दो। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद अयूब नाम है। क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, यहाँ फंसे हुए लॉकडाउन में। अच्छा गाड़ी जानी है भाई, कैसे नहीं गांव जा सके यहाँ पे, और सरकार ऐसे कर दी है जो बहुत बुरी हाल कर दी है पब्लिक के साथ, नहीं काम है नहीं कुछ है। जो रूम में रहते हैं मकान वाले भाड़ा पूरा ले रहा है, नहीं भाड़े में कमी हो रही है, कुछ नहीं हो रहा, बेरोजगारी है। आप मुंबई से ही हैं या बाहर से? मैं बिहार से हूँ। आप बिहार से? हाँ। पिछले बार भी आप गए थे? हाँ 8 महीने रह के आया। अच्छा एक डेढ़ महीना हुआ है, वो अब पैसे है नहीं क्या करें। आप जब निकले थे यहाँ से तो यहाँ मतलब क्या मंजर था यहाँ पे, जब एकदम से ट्रेनें चालू हुई और लोग बता रहे थे कि बाहर ये जो 90 फुट रोड है वहाँ 40-40 हज़ार लोग जमा थे, आपने वो टाइम देखा था क्या? हाँ, था क्या हो रहा? भुखमरी भी देखा, सब देखा, परेशानी भी देखा, पैसे नहीं थे, लोग से पैसे लेके फिर गाँव गए उधार लेके। हाँ उधार ले गए, घर पर रहे 35 हज़ार रुपये खर्चा हो गया हमारा, क्या करेंगे हालात बुरी है, त्यौहार हमारे ख़राब हो गए हैं, बच्चे लोग घर पे रो रहे हैं, यहाँ अपनी परेशानी है, क्या करें हम, कोई गुंजाइश नहीं जाने का। तो अभी आप कह रहे हैं कि आप दोबारा जाएंगे घर? जाएंगे तो फिर दोबारा आएंगे नहीं बम्बई में, उधर ही कोई मजदूरी कर लेंगे वो चलेगा, क्या करें। सरकार कुछ राहत नहीं दे रही है, बातें तो करती है कि मैंने ये कर दिया वो कर दिया, अच्छे दिन आएंगे उससे ही बुरे दिन आ गए, जिंदा रहने से अच्छा मर जाए वो बेहतर है इंसान को, ऐसे घुटकने से मरने से क्या फ़ायदा है। वहाँ बिहार में जो घर है कहाँ, कौन सा ज़िला पड़ता है? दरभंगा ज़िला पड़ता है। दरभंगा पड़ता है आपका, तो अभी वहाँ तो बहुत मतलब जोर है बीमारी का, बीमारियाँ पूरे देश में है, क्या करेगा आदमी, हालात सबके साथ है, जिसकी मौत आएगी वो मरेगा, जिसको बचना है वो बचेगा, अब जो बच जाएगा वो खाए हुए मर जाएगा, क्या करेगा आदमी। आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। मुश्किल वक्त है आपके लिए भी, हमारे लिए भी, हमारे भी कई साथी इस बीमारी की चपेट में हैं, इसलिए आपको अगले कुछ दिनों कुछ हफ्तों में हो सकता है कि लल्लन टॉप के प्रोग्राम, लल्लन टॉप के वीडियोज़ या शोज़ कुछ कम मिलें, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लगातार आप तक ज़मीनी हकीकत, सरकार, प्रशासन, समाज सबका रवैया पहुंचाते रहें। हमारी आपसे अपील है मुश्किल वक्त में किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें, सावधानी बरतें, घर पर सुरक्षित रहें।